विकिपीडिया में अगर हम रोनल्ड रीड सर्च करते हैं तो वहां पर रोनल्ड के बारे में लिखा है कि ही इज एन अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी जो चैरिटी में पैसा देते हैं, इन्वेस्टर, जैनिटर यानी केयरटेकर थे और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के ऊपर एक पूरा विकिपीडिया पेज, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पहले इंसान है जिन्होंने अपनी फैमिली में ग्रेजुएशन की थी और इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया था। रोनल्ड ने 25 साल तक गैस स्टेशन में अटेंडेंट का काम किया और 17 साल तक फ्लोर्स में पोछा लगाया। जब ये 38 साल के हुए तो इन्होंने एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया। 50 की एज में इनकी वाइफ की डेथ हो गई लेकिन इन्होंने दोबारा से कभी शादी नहीं की और 2014 में 92 की एज में इनकी डेथ हो गई। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो ये 14 करोड़ रुपए अपने फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़ के गए और 42 करोड़ रुपए लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान में दिए। बहुत से लोग शॉक्ड हुए कि पोछा मारने वाले के पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि इन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, बस कुछ कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए थे और उन कंपनीज के शेयर्स को कंपाउंड होने दिया। इनके ऑपोजिट एक और स्टोरी है रिचर्ड फस्कोन की, जो हार्वर्ड से पढ़े थे, हाईली स्किल्ड थे, जिनका नाम 40 Under 40 की लिस्ट में भी था। लेकिन फिर 2008 में इन्होंने कुछ डिफरेंट किया। इन्होंने अपने 18,000 स्क्वायर फीट के आलीशान घर को बड़ा करने के लिए लोन ले लिया, जिसमें ऑलरेडी 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और जिसका महीने का मेंटेनेंस का खर्चा ही 50 लाख रुपए था। रोनल्ड की डेथ से सिर्फ 5 महीने पहले इस हार्वर्ड ग्रेजुएटेड रिचर्ड का घर नीलाम हुआ, जिसे मार्केट प्राइस से 25% के रेट में बेचा गया। द लेसन इज सिंपल, फॉर्मल एजुकेशन इज डिफरेंट और साइकोलॉजी ऑफ मनी इज डिफरेंट। हमें दोनों में अंतर समझना चाहिए। रोनल्ड पेशेंस वाले इंसान थे जबकि रिचर्ड थोड़े लालची। और आज इस वीडियो में हम पैसे की साइकोलॉजी को समझेंगे कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग गलतियां कैसे कर देते हैं और कैसे हम अपने पैसे को मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये सब हम सीखेंगे मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सबसे पहला लेसन आता है कि द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। कैच 22 एक बहुत ही फेमस बुक है जिसे जोसेफ हेलर ने लिखा है। इस बुक से इन्होंने अपनी लाइफ में काफी पैसे कमाए। लेकिन एक बार जोसेफ पार्टी में गए हुए थे, वहां पर एक फंड मैनेजर भी आया हुआ था। जोसेफ के दोस्त ने जोसेफ से उस पार्टी में कहा, इस फंड मैनेजर को तू देख रहा है, ये बहुत ही बेस्ट है अपने काम में, इसने एक दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने की तेरी बेस्ट सेलिंग बुक कैच 22 ने पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं कमाए होंगे। इस पर जोसेफ ने अपने दोस्त को आंसर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस फंड मैनेजर के पास नहीं है। जोसेफ के दोस्त ने जोसेफ से पूछा, क्या है? जोसेफ ने जवाब दिया, इनफ, यानी मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है मेरे पास उतने पैसे हैं। एक्चुअली हम सबके साथ होता यह है कि जब भी हम अपना गोल अचीव करते हैं तो अपने गोल पोस्ट को एक दो स्टेप आगे मूव कर देते हैं और तभी स्टॉप करते हैं जब लाइफ स्टॉप हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल कंपैरिजन। अगर मैं आपको बोलूं कि एक अच्छे कॉलेज से MBA किया हुआ लड़का साल के 12 लाख रुपए कमाता है तो क्या आपकी नजरों में वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं? अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये तो अमीर ही है, तो इसका ऐसा मानना नहीं है क्योंकि इसके बाकी दोस्त साल के 2 या 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। वॉरेन बफेट अगर अपनी वेल्थ जेफ बेजोस से कंपेयर करेंगे तो उन्हें भी दुखी होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए लर्निंग ये है कि सबसे मुश्किल स्किल यही है कि हमें पता हो कि हमें रुकना कब है। नेक्स्ट लेसन कहता है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है और एक भी ऐसी बुक नहीं है जिसका टाइटल ये हो, वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग के लिए 75 साल दिए हैं। क्या आपको पता है कि अगर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग में हम हर चीज सेम रखें, उनका एनुअल रिटर्न, उनकी इनिशियल स्टार्टिंग एज, कि उन्होंने 13 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस एक चीज चेंज कर दें कि वो एक नॉर्मल रिटायरमेंट एज में यानी 60 साल की उम्र में वो इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि उनकी प्रेजेंट वेल्थ के कंपैरेटिवली उनके पास एक्चुअल में भी पैसे कितने होते हैं? कम ऑन, गिव मी अ नंबर। 1%, 2% कम होंगे, 10% कम होंगे। आई नो हम सब गलत होंगे, उनकी वेल्थ प्रेजेंट वेल्थ से 99.9% कम होगी। और यही पार है कंपाउंडिंग की, जो हम ह्यूमंस को इंट्यूटिवली समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 1990s में हम किसी से भी पूछते कि 20 से 30 सालों में हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी आज की कंपैरेटिवली कितनी हो जाएगी, तो उस टाइम के टेक जायंट्स भी ये बोल रहे थे 100 गुना, कोई कह रहा था 1000 गुना, कोई कह रहा था 10,000 गुना। जबकि 1990s के कंपैरेटिवली ह्यूमंस ने स्टोरेज कैपेसिटी को 30 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि कंपाउंडिंग एक दो साल तक ज्यादा रिटर्न लाने से नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक सेम रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपाउंड होने से होती है। इसलिए वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर कहते हैं कि जब भी लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने पैसों को 2x, 5x, 10x करना चाहते हैं,
लेकिन उस वक्त मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्राइसिस के टाइम में सिंपली एक्स ही कैसे रखूं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो होने से कैसे बचाऊं। नेक्स्ट लेसन कहता है कि गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जेसी लिवरमोर एक बेस्ट स्टॉक ट्रेडर में से एक थे। अक्टूबर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से स्टॉक मार्केट की वैल्यू 1/3 तक कम हो गई थी। न्यूज में बहुत सी खबरें आ रही थी कि बहुत से वॉल स्ट्रीट के लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड कर लिया। जैसे कि माँ इतनी डर गई थी कि अकेले कमरे में जाकर वो रोने लग गई, लेकिन जब जैसे घर वापस आए तो जैसे कि वाइफ ने रोते हुए दरवाजा खोला, जैसे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब उसे इस रोने का रीजन पता चला तो उसने अपनी फैमिली से कहा, अरे रोने की कोई बात नहीं है, मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया था, यानी एक तरह की इंश्योरेंस ले ली थी और जिसकी वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, हम बहुत अमीर हो गए हैं। ये सुनकर सारे खुश हो गए। वहीं पर एक इब्राहिम नाम के रियल एस्टेट एजेंट ने अपनी मैक्सिमम वेल्थ स्टॉक मार्केट में लगाई थी और इस क्रैश की वजह से उन्होंने सारा पैसा लूज कर दिया था, जिसकी वजह से इब्राहिम ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर सेम दिन जैसी के लिए अलग था और इब्राहिम के लिए अलग साबित हुआ। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जैसी को अपनी पुरानी ट्रेडिंग पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया और वो ज्यादा अर्न करने के चक्कर में उधार लेके और ट्रेडिंग करने लगे और 1933 में उसने सारा पैसा लूज कर दिया और स्ट्रेस की वजह से उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। सो द लर्निंग इज कि पैसा कमाना और पैसा कमा के खुद को कंट्रोल रखना, ये दोनों डिफरेंट स्किल हैं और ऑथर के अकॉर्डिंग पैसा सेफ रखना ज्यादा मुश्किल स्किल है, इसलिए वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ।